कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के पास इलाके मॉडल टाउन स्थित HDFC बैंक और निजी अस्पतालों की, जिनकी अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था ना होने के कारण आए दिन एवरेज 2 बाइक्स इन्हीं स्थानों से चोरी होती हैं। बावजूद इसके पिछले लंबे अरसे से यहाँ कोई पार्किंग नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और यही कारण है यहाँ प्रतिदिन लगने वाले जाम का। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों की माने तो वह भी यही कह रहे हैं कि रेवाड़ी में किसी भी बैंक और निजी अस्पतालों की अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं, जिस कारण लोगों को अपनी बाइक्स बैंकों और अस्पतालों के बाहर ही भगवान भरोसे खड़ी करनी पड़ती है, जो जाम का कारण बनती है और अक्सर चोरी हो जाती है। बैंक प्रबंधकों और अस्पताल संचालकों को चाहिए कि वह पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि बाइक चोरी और इनके कारण लगने वाले जाम से निजात मिल सके। इस संदर्भ में जब हमने HDFC बैंक के प्रबंधक से बात की तो वह इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पुलिस कप्तान अभिषेक जोरवाल ने कहा कि बाइक चोरी रोकने के लिए बैंक और ऑफिस टाइम में सुबह व शाम वहां पुलिस राइडर तैनात रहेंगे। होमगार्ड के जवान और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी ऐसे स्थानों पर निगाह रखेंगे जहाँ ज्यादा से ज्यादा बाइक चोरी होती है। सभी SHO को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रिपल राइडिंग करने वाले युवकों का चालान काटें, वे उन पर पैनी निगाह रखें, क्योंकि बाइक चोरी ऐसे ही युवक करते हैं और बिना नंबर वाली बाइक्स के कागजात को गहनता से जांचें। अभी आप बैंक में आए HDFC में, आपने देखा कि यहाँ पर कम से कम 100 बाइक खड़ी हैं, सामने डॉक्टर के पास पेशेंट है जी हाँ, और एवरेज दो तीन बाइक चोरी होती है। हाँ, होती है। क्या कहेंगे? तो व्यवस्था होनी चाहिए, बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए पार्किंग के लिए। कितनी मुश्किल आती है आम आदमी को? जाम लगा रहता है, आम आदमी को प्रॉब्लम होता ही होता है, चोरी भी बढ़ती है इससे। धर्मेंद्र वाला जी, अभी आप बैंक में आए हैं। हाँ जी, आपने अभी अपनी बाइक जो है यहाँ पर खड़ी की है। हाँ, तो बैंक की तरफ से कोई व्यवस्था दिखाई देती है? नहीं, व्यवस्था कोई नहीं है, यहाँ पार्किंग होनी ज़रूरी है क्योंकि बैंक तो हमारा डेली का काम है, यहाँ आना जाना परेशानी रहती है, व्हीकल आ जाते हैं कोई ना कोई, तो भाई कोई चोरी होने का डर रहता है, कोई कुछ सामान निकाल ले, सो प्रॉब्लम होती है, जाम की स्थिति भी रहती है, जाम तो नहीं रहते यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बैंक से? बैंक से हम यही चाहते हैं कि हमें कस्टमर परमानेंट जो होते हैं उनको व्यवस्था कराई जाए पार्किंग की, या कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए ताकि हमारी देखभाल करे, जाम कम से कम बना रहे। और क्या लगातार बढ़ते हुए चोरी के मामले, बाइक चोरी के मामले, उसका रीज़न ये कि बैंक है या बड़े प्रतिष्ठान है उनकी अपनी पार्किंग नहीं होती और ऐसे मजबूर लोगों को सड़क पर खड़ा करना पड़ता है। इसमें देखिए, मैं एक जो हमने पहले, जहां मैं पहले जिले में था, वहां हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, मैप पे आइडेंटिफाई कर रहे थे जहाँ पे जहाँ व्हीकल्स चोरी होते हैं, तो वहाँ पे हम थाने से या तो और पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे ये वारदातें होती हैं, जैसे ऑफिस टाइम होता है या बैंक में जब पेमेंट निकालने का या जमा कराने का टाइम होता है, उस टाइम हम राइडर को या PCR को या पैदल गश्त या किसी होमगार्ड को SPOs की ड्यूटी लगाएंगे और इंश्योर करेंगे कि थोड़ी पुलिस विजिबिलिटी बढ़े। दूसरा, बाइक चोरी को रोकने के लिए एक जो मैंने SHO ट्रैफिक को मैंने आज सुबह ही निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदाउट नंबर प्लेट्स बाइक्स होती हैं, प्लस जो इसमें चेन स्नैचिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और जो ट्रिपल राइडिंग और जो केवल लड़के बाइक पे बैठे हैं उनके चालान काटें और उनको चेक करें, क्योंकि वो ही वारदातें ज़्यादा करते हैं, स्नैचिंग की भी वही वारदातें करते हैं और किसी बड़े क्राइम के लिए रैकी भी वही करते हैं और बाइक चोरी भी ज़्यादातर वही करते हैं जो लड़के बाइक पे विदाउट नंबर प्लेट की बाइक पे घूम रहे होते हैं या लड़के घूम रहे होते हैं, तो उन पे हमें ट्रैफिक SHOs को और बाकी SHOs को भी मैंने यही निर्देश